अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे वर कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमारी ही दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे और ऐसे हंसते रहे, आमीन। और अल्लाह पाक का हम सब पर ख़ास रहम व करम हो। तो इस दुआ के साथ करते आज की वीडियो को शुरू। प्यारे वर, जो भी मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर दबाएँ। प्यारे व्यूअर, सुबह का टाइम है और आज रात को मैंने घर से बाहर गुजारा है, हमारे घर के सामने जो पार्क चेक पोस्ट है उसमें, क्योंकि रात को हमारी बिजली ख़राब हो गई थी और मेरे मोबाइल में थोड़ा सा भी चार्ज नहीं था। मेरे घर में दो मोबाइल है तो दोनों में चार्ज नहीं था, तो वहाँ पर लेके आया था। तो रात को मैंने उधर गुजारा है और अभी सुबह का टाइम है और आज हमको जाना है पिंडी भी वाली साहब को लेके, और वहाँ पर जाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाकर मोबाइल को भी चार्ज करूँगा। पर हमारे गांव में बिजली की दो लाइन हैं, जो हमारे घर की तरफ वाले लाइन हैं वो तो शाम से बिजली ख़राब हो गए हैं, और यहाँ पर पार्क चेक पोस्ट वाली जो लाइन है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। इस वजह से मैंने मोबाइल इधर लेके आया था और रात को भी इधर गुजारा। सारे मज़दूर उधर आ गए, कारखाने में काम कर रहे हैं। ये सुबह का टाइम है और ये देखें, इधर भी एक मज़दूर खड़ा है। अभी परमिट लेके जा रहे हैं उधर, और फिर इसके बाद इसके लिए लोड तैयार करेंगे माल सीमेंट। और अभी परमिट लेके जा रहे हैं और फिर इसको भरेंगे सीमेंट से। गाड़ी अभी जा रही है, सुबह का टाइम है। ये रोड के साइड पर पार्क चेक पोस्ट है और आज इधर मैंने रात गुजारा है। माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा है। नाश्ता मैंने कर लिया और अभी पिंडी जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से एक गाड़ी में मैंने सीट बुक किया है, तो इंशाल्लाह वो गाड़ी 11 बजे तक तमरगरा से आएगी और फिर यहाँ मुझे कॉल करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आगे जो रास्ते का सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। मुस्तफ़ा और ईसा मेरे दोनों छोटे भाई के लिए मैंने नए शूज़ ले लिए, क्योंकि इसके जो पुराने शूज़ थे वो सब पाल गए थे। तो ये दोनों अभी घर जा रहे हैं, मुस्तफ़ा और ईसा दोनों के लिए नए शूज़ मैंने ले लिए। मुस्तफ़ा देख पलो है, ये मुस्तफ़ा का नए शूज़ और ये ईसा का। बाहर धूप बहुत तेज निकला है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इधर खड़ा हूँ गाड़ी के इंतज़ार में मोटरवे की, टोल प्लाजे पर इंशाल्लाह अभी गाड़ी आएगी और इधर से पिंडी के लिए अभी निकलेगी। वालिद भी साथ है और इंशाल्लाह अभी इधर से निकलते हैं। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए और तकरीबन पेशावर तक पहुँच गए हैं, और अभी हमने नमाज अदा की। गाड़ी अभी ये वाली जो गाड़ी है सामने वाली, ये कोस्टर हमारी गाड़ी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और शुक्र है कि गाड़ी एसी है, एसी वाली गाड़ी है। तो तकरीबन पेशावर तक पहुंच गए हैं और ये साथी इस साइड पर ये मोटरवे, और भी गाड़ी आ रही है नमाज़ के लिए। तो इस साइड पर ये मोटरवे, इंशाल्लाह अभी यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ फिर से करेंगे। और अब यहाँ पर ड्राइवर और जो कैलेंडर है वो खाना खा रहे हैं। नमाज हमने अदा की और इधर मस्जिद है वो कोने में, और अभी चंद लोगों ने खाना नहीं खाया, तो इस वजह से इधर होटल भी है तो उसमें खाना खा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर से सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमारा गाड़ी उधर खड़ा है और रास्ते का सीन मैं आप लोगों से इस वजह से शेयर नहीं कर सका, क्योंकि मैं गाड़ी में बहुत पीछे बैठा हूँ,
पीछे सीट में बैठा हूँ, जिस वजह से रास्ते का सीन आप लोगों से शेयर नहीं कर सका। और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा भर गया है सवारियों से, तो इस वजह से मैं आप लोगों से रास्ते का जो सीन है वो शेयर नहीं कर सका। इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ का सीन आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी गाड़ी जा रही है, अभी हम पहुँच गए CMH। और इधर वीडियो बनाने पर मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पाबंदी है, आप नहीं बना सकते। और अभी हम पहुँच गए CMH, तो इधर से एक टेस्ट हो लेने, आज इतवार का दिन है। प्यारे व्यूअर्स, अब हम इधर पहुंच गए CMH, और पीछे आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है CMH का। अभी मैं जा रहा हूँ वाले साहब का एक टेस्ट टेप उनके वो लेना है, उसमें मुझे एक हफ्ता टाइम मिला था, तो अभी वो लेना है। और करता हुआ आज की वीडियो को यहाँ पर एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्रेश ताज़ा व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, और मेरे वाले साहब के लिए आखिर में ज़रूरी और स्पेशली दुआ किया करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।